मोदी है तो मुमकिन है से लेकर आएगा तो मोदी ही के नारों के साथ चले प्रचार कैंपेन के बाद बीजेपी ने अब की बात 300 पार का लक्ष्य साकार कर दिया। प्रचंड बहुमत के साथ देश की जनता ने 17वीं लोकसभा के लिए देश की बागडोर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सौंप दी। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच जश्न का माहौल है। प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चाणक्य व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। बीजेपी की इस प्रचंड जीत के बाद मोदी कैबिनेट में कई मंत्रियों के मंत्रालय बदले जा सकते हैं। वहीं जीत में अहम भूमिका निभाने वाले नेताओं को अहम जगह मिल सकती है। मोदी कैबिनेट में गुजरात के गृह मंत्री रह चुके अमित शाह बीजेपी की जीत के बाद एक बार फिर चाणक्य के तौर पर उभरे हैं। उन्हें गृह मंत्रालय सौंपे जाने की चर्चा जोरों पर है। आतंकी संगठन अलकायदा के कश्मीरी ग्रुप गजवा उल हिंद के सरगना जाकिर राशिद भट्ट उर्फ जाकिर मूसा का खात्मा होने से सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 29 साल के मूसा ने बीटेक की पढ़ाई भी की थी। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ सहित तमाम सुरक्षा एजेंसियों की हिटलिस्ट में जाकिर मूसा का नाम सबसे ऊपर था। श्रीनगर लोकसभा सीट से करीब 70,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई है कि केंद्र में नई सरकार राज्य के साथ न्याय करेगी और कश्मीर के मुद्दे को हल करने में पाकिस्तान से बातचीत करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के संबंध में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं क्योंकि हमें अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के लिए बीजेपी के इरादों से लड़ना होगा। जम्मू संभाग की दोनों लोकसभा सीटों जम्मू पुंछ और उधमपुर कठुआ डोडा संसदीय क्षेत्रों में मोदी की प्रचंड लहर के आगे चुनाव नतीजों में विपक्षी एकता हवा हवाई साबित हुई और दोनों सीटों पर बीजेपी ने एक तरफ जीत दर्ज की। मतगणना के बाद कभी भी नहीं लगा कि किसी विपक्षी उम्मीदवार से टक्कर मिल रही है। 17वीं लोकसभा चुनाव जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मिलकर आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबह उनके घर पहुंचे और उनसे पार्टी को मिली जीत पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर हैंडल पर मुलाकात की एक तस्वीर साझा की और कहा कि इन्हीं लोगों की बदौलत पार्टी जीत का परचम लहराने में कामयाब हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में ऑपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे पहली बार चुनाव हार गए हैं। वो पार्टी के ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने जहां से भी चुनाव लड़ा वहीं से जीत हासिल की, मगर इस बार नरेंद्र मोदी की सुनामी के आगे उनको हार का मुंह देखना पड़ा। अब तक के 11 चुनाव में उन्हें जीत मिली थी। मल्लिकार्जुन खड़गे 9 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी और ऐतिहासिक जीत का श्रेय काशी को देने और वहां के मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए 28 मई को जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स द्वारा जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दोपहर को काशी पहुंचेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री जनता से संवाद करने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर और बाबा काल भैरव का दर्शन करेंगे और गंगा आरती में भी शामिल होंगे। 17वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में मतदाताओं ने प्रचंड बहुमत के साथ देश की बागडोर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंप दी और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को एक बार फिर लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी लोकसभा में 10% सीट यानी 55 पाने में नाकामयाब रही है। आपको बताते चले कि LOP के पद के लिए पार्टी को 553 में से 55 सीटों को जीतना जरूरी होता है, जबकि कांग्रेस महज 52 सीट ही पा सकी है। अभी भी इस पद को पाने के लिए उसके पास 3 सीटों की कमी है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली NDA गठबंधन जब 2014 में सत्ता में आई उस वक्त उसने कांग्रेस को LOP का पद देने से मना कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने उस वक्त महज 44 सीट जीती थी और ये अपेक्षित मानदंडों के मुताबिक नहीं था। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब इस्तीफों की झड़ी लगती दिख रही है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से महज एक सीट पर सिमटने वाली कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में पार्टी की कमान संभालने वाले राज बब्बर ने
राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को इस्तीफा भेज दिया है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले ट्वीट के जरिए भी उनकी निराशा साफ तौर पर झलकी। उन्होंने ट्वीट में कहा कि यूपी कांग्रेस के लिए परिणाम निराशाजनक है। अपनी जिम्मेदारी को सफल तरीके से नहीं निभा पाने के लिए खुद को दोषी पाता हूं। नेतृत्व से मिलकर अपनी बात रखूंगा। वो खुद अपनी सीट फतेहपुर सीकरी से भी हार गए और वो भी 4,95,000 वोटों के अंतर से। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और लाहौल स्पीति की पहाड़ियों में बर्फबारी और बारिश हुई, जिसके कारण रोहतांग दर्रा में हुई ताजा बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। रोहतांग दर्रा में 5 सेंटीमीटर तक ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि मनाली में बारिश हो रही है। किन्नौर की ऊंची चोटियों में हल्का हिमपात हुआ है। ऊपरी शिमला और आउटर सिराज में भी बारिश हुई है। मौसम के बदलते मिजाज से तापमान में गिरावट आई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दूध की आपूर्ति करने वाली कंपनी मदर्स डेयरी ने अपने ग्राहकों को झटका देते हुए आज दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो कल से प्रभावी हो जाएगी। कंपनी ने कहा है कि किसानों से दूध खरीदने की लागत में बढ़ोतरी की वजह से ये निर्णय लिया गया है। मदर डेयरी ने सिर्फ पॉलीपैक से मिलने वाले दूध की कीमतों में ही 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। आपको बता दे चले कि इससे कुछ ही दिन पहले अमूल ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया था।